हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू और आप देख रहे हैं द ऑल वीडियो टीएवी। तो स्वागत है आपका द ऑल वीडियो टीएवी में। आज मैं आया हूँ बीएचयू के कैंपस में। जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, मैं अभी बीएचयू के कैंपस में ही हूँ और ये थोड़ा आउट एरिया है। तो आज यहाँ पे काउंसलिंग हो रहा है बीए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का। तो आज मेरा दोस्त का यहाँ काउंसलिंग होने वाला था, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, अब थोड़ा ही देर में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग को बीएचयू में एडमिशन लेना हो तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले देना होता है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर लाना पड़ता है। तो और कुछ नहीं, और मैं आपको यहाँ का सीन दिखाता हूँ, तो आप वीडियो पर बने रहिए और यहाँ का सीन देखिए। तो गाइज, मैं अभी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और मेरा दोस्त गया है काउंसलिंग में। आप लोग उसको जानते हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन उसको काउंसलिंग के आने के बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो वेट करता हूँ मैं अभी कुछ देर, तो जब प्रिंस आता है तो मैं आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिए। तो 4.5 घंटा हो चुका है और अभी तक मैं वेट ही कर रहा हूँ। वैसे वेटिंग एरिया में आप जाके वेट कर सकते हो, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अकेलापन बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। तो इधर कोई नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कितने देर के बाद प्रिंस आता है, तो वेट करते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। वैसे वेटिंग एरिया में फैसिलिटी ये है कि आप वहाँ पे पंखा लगा हुआ है, अच्छा सा चेयर लगा है, और फिर सोफ़ा भी लगा है, सोफ़ा डेक। एक तरफ से बहुत ही अच्छा फैसिलिटी दिया गया है, ले वहाँ पे आपको ज़्यादा आराम रहेगा। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आपके आसपास अगल बगल लोग ज़्यादा रहेंगे, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ बैठो। वैसे इधर देख सकते हो, इधर शांति। तो फाइनली गाइज, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है फ्रेंड्स? 3:43। तो अभी काउंसलिंग से आया है प्रिंस। जैसा कि आप देख सकते हो, प्रिंस को जानते भी हो, तो इसका काउंसलिंग था और काउंसलिंग हो गया, और करीब 5 या 6 घंटा टोटल टाइम लगा, क्योंकि सुबह 9:30 ये गया था अंदर, एंट्री किया, और अभी 3:30 वापस आया है। तो आप समझ सकते हैं कि काउंसलिंग में कितना टाइम लगा। और इसका मेन रीज़न ये था कि सर लोग लंच के टाइम पे चले गए खाना खाने के लिए, और स्टूडेंट लोग अंदर ही बैठे थे, जिसके कारण थोड़ा और लेट लगा, और कोई रीज़न नहीं था। तो क्या क्या हुआ था प्रिंस अंदर काउंसलिंग में? अंदर काउंसलिंग में हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बस हुआ, और उसमें फिर अपना प्रिफरेंस सब्जेक्ट चूज करना था, उसके बाद बस इतना ही हुआ। तो डॉक्यूमेंट में आपको लगा था, बता दें एक मिनट, मूल प्रमाण पत्र कि जो आपको मैं डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लगा था ये मैं टाइप कर दूंगा। वैसे आप अगर काउंसलिंग के लिए आते हैं तो अपना पूरा डॉक्यूमेंट ले लीजिए साथ में, और हर डॉक्यूमेंट का 2 कॉपी ज़रूरी है। तो ये सब डॉक्यूमेंट ले कर चलिए। आपको मैं बैक कैमरा से पीछे का और सीन दिखाता हूँ, तो आप पीछे का सीन देखिए। तो अब हम लोग वापस अपने घर के लिए जाएंगे। वैसे अभी हम लोग जा रहे हैं, अपने मेरा एक दोस्त है जिसका बनारस में रूम है, तो उसके रूम पे अभी जा रहे हैं और वहाँ कुछ देर रहेंगे, और उसके बाद फिर वापस घर पे चले जाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए, जो भी होता है आप लोग के सामने वीडियो पे बने रहिए, और वीडियो लास्ट तक देखिए।
तो बैक कैमरा से मैं आपको सीन दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा, तो सीन देखिए। BHU का कैंपस बहुत ही दूर में है, तो एक दिन में आपको पूरा कैंपस दिखाना पॉसिबल नहीं है, और हर जगह मैं जा नहीं रहा हूँ जिसकी वजह से मैं आपको पूरा, लेकिन आपको हर जगह का सीन मैं आपको आज नहीं तो कभी मैं फिर आऊँगा तो आपको मैं दिखा दूँगा। तो अभी के लिए बस ऐसा ही, मैं आपको सिंपली रोड ये जगह जगह का दिखा रहा हूँ, और फिर मैं कभी दूसरे दिन भी आना एक दिन तो और जगह का सीन दिखा दूँगा। तो फिलहाल अभी इतना ही देखिए। बस में बैठ चुके हैं और अपने घर जा रहे हैं बिहार, तो घर पहुंच के आपसे बात करते हैं, तो वीडियो बने रहिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हम घर चले आए हैं जैसा कि आप देख सकते हो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।